नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भारत पहुंचा सीधा एशिया कप के सेमीफाइनल में। मैदान पर आया सैफ अली वर्मा का तूफान और जड़ दिए 81 रन। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो सैफ अली वर्मा की ताबड़तोड़ पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दामला स्टेडियम में एशिया कप 2024 का भारत और नेपाल के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला सुनाया। ओपनिंग करने आई सैफ अली और हेमलता ने पहले विकेट के लिए 84 गेंदों में 122 रनों की साझेदारी निभाई। वहीं सैफ अली मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात कर रही थी। सैफ अली वर्मा ने 48 गेंदों में 81 रन बनाए 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से। वहीं उनके साथी दयालन हेमलता कहां कम पड़ने वाली थी, 42 गेंदों में 47 रनों का अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। वहीं जेमिमा रोड्रिक्स ने 15 गेंदों में 28 रनों की शानदार पारी खेली 5 चौकों की मदद से, और इस प्रकार भारतीय महिला टीम ने अपने पूरे 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम का लक्ष्य करने उतरी तो 20 ओवर में मात्र 96 रन ही बना पाई और 9 विकेट खोने के बाद, और भारत ने नेपाल